हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बना रहे हैं पौंचे का डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से 2 इंच पे निशान लगाया है, जहाँ से आप पूरे पौंचे में 2 इंच का गैप छोड़ते हुए इसमें निशान लगाएंगे। और जहाँ से निशान लगाने के बाद में अब हमें 2 इंच का ही ऊपर की साइड में निशान लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस ऊपर की साइड भी 2 इंच पर निशान लगाया है। और जहाँ से निशान लगाने के बाद में अब मैं एक बार सीधी लेकर जाऊंगी मशीन को, और कुछ इस तरीके से फिर इसे दूसरे साइड में, इसको जहाँ से आप सीधा लेकर जाना है फिर, और एक बार आप इसको तिरछा लेकर जाना है दूसरी साइड में नीचे की तरफ। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से गैप छोड़ते हुए मैं जहाँ से बनाऊंगी पौंचे का डिजाइन, तो एक बार आपको जगह छोड़कर कुछ इस तरीके से तिरछी लेकर जानी है। और जहाँ से इसका करने के बाद में अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, वो हमें इन दोनों को क्रॉस का निशान बनाते हुए ही इसकी सिलाई करेंगे। तो जहाँ से कुछ इस तरीके से अब मैं इसकी सीधी सिलाई लगाऊंगी एक, और अब सीधी सिलाई लगाने के बाद में एक बार आपको इसको कुछ इस तरीके से बीच में से तिरछी सिलाई करनी है, और इस तरीके से फिर हमें दूसरी साइड वाले निशान पे बिल्कुल साथ में नहीं मिलाना है, थोड़ी जगह छोड़ते हुए मशीन का एक पैर छोड़ते हुए आपको सिलाई करनी है इसकी। और जहाँ से मैं इसको कुछ इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगाऊंगी जहाँ तक हमने निशान लगाया था, और जहाँ से निशान लगाने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सीधा लेकर जाना है। और जहाँ से सीधा ले जाने के बाद में जो निशान था हमें उसके से लेकर आगे तक हमें फिर कुछ इस तरीके से अब मैं घुमाते हुए इसकी सिलाई करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने अभी फिर इसमें घुमाते हुए सिलाई की है इसकी। और सिलाई लगाने के बाद में अब मैं बीच बार एक बार सीधी सिलाई लगाऊंगी। अच्छे इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई ये कंप्लीट की है, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से इसकी सिलाई करूँगी। जहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है, जब तक मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको तिरछी लाइन लगाते हुए इसकी सिलाई मैंने ये इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब मैं आगे की सिलाई करूँगी इसमें कुछ इस तरीके से। जहाँ से मैं घुमाते हुए सिलाई लगाऊंगी इसके बीच में, अब मैं फिर इसमें एक बार फिर से घुमाते हुए साइडों में इसकी सिलाई लगाऊंगी जो बची हुआ जगह है। तो कुछ इस तरीके से बनकर पौंचे का डिज़ाइन तैयार हुआ है।